उस दिन बॉस की पार्टी में पूजा को देखा था, कैसे बॉयफ्रेंड के गले में हार डाल के घूम रही थी, सब लोग उसी को देख रहे थे। हाँ यार, और पूरी पार्टी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे पार्टी उन्होंने ही दी हो अपनी शादी की। आज देखते हैं क्या होता है। सोफिया, टाइम क्या हुआ है? अरे यार, अब तो एक एक पल काटना मुश्किल है। अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं, पार्टी शुरू होने में पूरा आधा घंटा बाकी है, आराम से जाएंगे। और वैसे भी पार्टी में जितना लेट जाओ उतना अच्छा है। अरे मामी, तुम भी चल रही पार्ट की फेयरवेल पार्टी में? अरे पार्ट की फेयरवेल पार्टी और मैं ना, ऐसा हो सकता है? वैसे पार्टी है कहाँ पे? उसके रिसॉर्ट में। मैं तो समझ रही थी उसके घर पर है। अरे वहाँ तो पहुँचने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। हेलो, अरे मैं तुम्हें ही मैसेज कर रही थी, मैं बस निकल ही रही हूँ। इनफैक्ट यूँ समझो कि मैं निकल ही चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? ठीक है ठीक है, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। ओके बाबा, पहुँच रही हूँ। तो ठीक है, बस मैं पहुँच रही हूँ, बाय। माय गॉड, माही, ये तुम्हारी जैकेट पे क्या लगा है? जैकेट पे? से मंगवाया मिला ताशा? सर समझा दो विवेक को, हमेशा परेशान करता रहता है। क्या हो रहा है ये? जब देखो तब डराता रहता है। सर आप तो बुरा मान गए सर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको निडर बना रहा हूँ, मतलब आने वाले दिनों के लिए पक्का कर रहा हूँ सर। क्या मतलब? सर पहले सिर्फ 2 बार आता था और अब? अब तो पूछो मत सर, 4 बार आता है सर, हफ्ते में 4 बार आता है सर, मंडे से थर्सडे। अरे कौन आता है 4 बार? सर एक प्रोग्राम है सर, आहट, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे रात 10:30 बजे आता है सर, मेरा फेवरेट शो है सर। पिछले हफ्ते मैंने कहानी देखी थी सर। तो ऐसी क्या खास बात है इसमें? सुपर्ब सर, देखते ही होश उठ जाएंगे सर, बहुत ही डरावना है सर, बहुत ही। डर नाम की कोई चीज सीआईडी में तो होती नहीं, समझे? और अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो फिर देखते क्यों प्रोग्राम? हाँ सर, मगर डरावना तो है ही लेकिन मजेदार भी है सर। दूसरी कहानी देख के तो मैं बेहोश होते होते बच गया सर। क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या बात है? सर हमारे ऑफिस में एक बात हुई है। कोई एक्सीडेंट हुआ है? खून मिला है सर। खून? हाँ सर खून। कहाँ पे मिला है खून? हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसी की जैकेट पे। तो क्या हुआ, हाथ वाथ कट गया होगा उसका? तो लग गया था। नहीं सर, कुछ गड़बड़ है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, 1-2 हफ्ते से वो गायब है। बॉयफ्रेंड गायब है? क्या नाम है इस लड़की का? माही सर, माही। सर मैं वाकई नहीं जानती कि इस जैकेट पर ये खून आया कैसे, ये लोग पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हुए सर। ये अब कहीं से तो लगा होगा इस जैकेट पर खून। सर लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि ये कहां से लगा है। इनफैक्ट सर ये जैकेट तो अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई है। लॉन्ड्री से धुल के? तो आपका मतलब है कि लॉन्ड्री से धुल के आने के बाद भी ये खून लगा रह गया इस जैकेट पे? सर लॉन्ड्री में जाने से पहले ये खून इस पर था ही नहीं। सर हो सकता है कि वहीं से लगकर आया हो। सच कह रही हैं? हाँ सर मैं सच कह रही हूँ। इन लोगों का कहना है कि आपका बॉयफ्रेंड भी गायब है। हाँ लेकिन मैं नहीं जानती कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया, वो मुझे डिच करके गया है, हो सकता है कि शहर के बाहर गया हो। देखो अगर झूठ बोल रही हो तो पकड़ी जाओगे। फिलहाल हम लोग उस लॉन्ड्री वाले से पूछताछ करके देखते हैं।
अरे मदन, वो 604 के कपड़े तैयार हुए कि नहीं कतारा बिल्डिंग वाले? हाँ सर तैयार है, बस खाली दो कपड़े में प्रेस मारना बाकी। अच्छा ठीक है, जब कपड़े लेके जाओगे ना तो आते वक्त 300 के कपड़े लेकर आना। सवेरे बोलकर गया है, बहुत सारे कपड़े कह रहा था, प्रेस करने हैं, धोने हैं, समझा? ठीक है। मैडम आप फिर आ गई। हमने बता दिया ना कि वो फोन हमारे यहाँ नहीं लगा है। तो फिर कहाँ पे लगा है? अच्छा तो आप और लोगों को भी साथ में लेकर आ गए। देखो भाई साहब, हम लोग सीआईडी से और आपको पता नहीं पड़ेगा कि इस जैकेट पे खून आया कहाँ से। साहब ये फोन हमारे यहाँ नहीं लगा, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? वो मुझे मालूम नहीं, मगर ये जब भी यहाँ आती है कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा कर देती है। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। हो सकता है ये खून इन्हीं ने लगाया हो। हाँ, मैं अपने ही कपड़े पर खुद खून लगाऊंगी, है ना? हाँ, नहीं तो क्या, मुझे फंसाने के लिए? हो सकता है कि तुमने खून किया हो किसी का। देखो इधर उधर की बातें छोड़ो, समझे? शायद खून लॉन्ड्री में कहीं हुआ है। नहीं साहब, हमने किसी का खून नहीं किया है। अभी पता चल जाएगा, चेक करो। यहाँ तो खून का नामो निशान नहीं है। खुदा के साफ कर दिया होगा। स्प्रे मार के देखो, देखो खून के निशान मिलते हैं। खून होगा तो मिलेगा ना, ये खून इनसे लगा है, माही मैडम से। काम का बात का पतंगड़ बना रही है। चुगली करने की पुरानी आदत गई नहीं वैसे तुम्हारी। क्या बात है, आज किसी पुरानी चोट में बहुत दर्द हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है, दर्द हो रहा है। फॉरेंसिक लैब में आने के साथ ही पहले ही दिन ये बोलने की क्या जरूरत थी एसीपी को कि मैं कॉलेज में तुम पर लाइन मार रहा था? अरे जो सच था मैंने तो वही कह दिया। एसीपी को क्यों बोला? वो पता है, वो अभिजीत वगैरह वो मेरा पोस्टर छपवा देंगे, जुलूस निकाल देंगे मेरा। अच्छा है ना, आपके पोस्टर चिपकेंगे तो आपकी कितनी पब्लिसिटी होगी, नाम हो जाएगा भाई आपका। मैं तुम्हारा नाम करूं? वो जो सुनील के पीछे कॉलेज में तुम भागा करती थी, बताऊं सबको? पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। एनीवे, इस लॉन्ड्री वाले ने इस जैकेट पर इतना बड़ा खून का धब्बा है, वो देखा नहीं इस लड़की को देते? मैं सुनील की बात कर रहा हूँ मैडम। अरे सुनील कौन है भाई? ये वो अभिजी, ये जो जैकेट में हमें खून मिला है ये किसी जानवर का नहीं, इंसान का है। बाय द वे ये सुनील के बारे में पूछ रहे मैडम? हाँ मैं यही बता रही हूँ ना कि ये खून इंसान का है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि लॉन्ड्री में किसी का खून हुआ है। बिल्कुल। एक बात और बस। वो क्या है डॉक्टर साहब? वो ये कि इस खून में हमें थोड़ा सा गन पाउडर भी मिला है बॉस। गन पाउडर? हाँ गन पाउडर। अभिजीत वो ऐसा होगा कि जिस किसी का भी खून है उसे पहले किसी ने गोली मारी, उसी की वजह से गन पाउडर इस खून में मिक्स हो गया और इस जैकेट पे आ गया। लेकिन सर ये खून आया कहाँ से? क्योंकि लॉन्ड्री में तो हमें कहीं कोई खून का निशान नहीं मिला। ये खून लॉन्ड्री में से नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं डॉक्टर सनानी? आप खुद ही देखिए।
ये देखिए, ये तीन अलग परतें हैं, देखिए। इस खून की परत के नीचे एक केमिकल की परत, ये केमिकल कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है और सिर्फ लॉन्ड्रीज में ही पाया जाता है, और ऊपर ये खून की परत। इसका मतलब ये खून धुलने के बाद ही लगा है इसका। बिल्कुल। तो वो लॉन्ड्री वाला सच बोल रहा था, ये खून माई के घर में ही लगा है, जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। इस माई से मिलना पड़ेगा। आई उस लॉन्ड्री वाले को फंसा के तो निकल गए, हमें गुमराह करने के लिए हमसे झूठ बोली, इसीलिए तो यहाँ से भाग गई। खुद कैसे बोलती कि खून किया उसने? कि दरवाजा तो ऐसे ही बंद है, शायद वो अंदर है। सुना, किसी की आवाज आ रही है। ये आवाज कहां से आ रही है? माही, घर में कोई है? सेरी को। माय गॉड, इसे तो इसने चाकू मारा है। माही, माही, देखते हैं हमलावर यहीं है क्या। माही, माही क्या हुआ तुम्हें? माही देखो, बताओ किसने किया ये सब? माही, माही, हाँ, माही, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। आशा, तुम और विवेक इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। आराम से। तुम आओ। जल्दी। हम इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। माही कुछ कहने को? जिसने तुम पर हमला किया था, जानती हो तुम उसे? बताओ कौन है वो? वो जिसने जिसने मुझे उसे उसने क्या? उसने मास्क लगाया था उसने। माही, जल्दी चलो। माही, माही बोलो, क्या किया था उसने? माही, क्यों? शी इज डेड, ये मर चुकी है। सर वैसे भी इनका बचना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि खून काफी बह चुका था। हाथ में कुछ है, शायद हाथापाई जब हुई होगी खूनी के साथ, उसी टाइम ये कपड़ा आ गया हो। एक काम करो, तुम दोनों माही के घर जाके देखो, कोई सबूत मिलता है क्या खूनी के खिलाफ। तब तक मैं इस लाश को और इस फटे हुए कपड़े को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है। क्या करें? जूतों के निशान कीचड़ से बने। ये वही आदमी है जिसने माही पे हमला किया था, वरना कोई और खिड़की से क्यों आएगा? दरवाजा होते हुए भी इन जूतों के निशान से हमें खूनी तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। कम से कम ये तो पता चल जाएगा खूनी कौन से नंबर का जूता पहनता है। देखो क्या साइज है पैर का। 9। सर क्या खबर है ताशा? माही की मौत हो गई। माही की मौत? वही हुआ जो खूनी चाहता था। काजल, यहां से ये मिट्टी उठाओ नमूने के लिए। सालून के साहब, इसमें से भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकाले लेंगे। राजा, तुम वहीं का बेडरूम चेक करो। Thank you.
सुपर क्लीन लॉन्ड्री। अच्छा ये तो वही लॉन्ड्री है ना जहाँ से माही की जैकेट ढूंढ के आई थी जिसपे खून लगा। कहीं इन कपड़ों पे भी तो खून नहीं लगा। लग रहा है कि नीचे वाले कपड़े से खून पास होके या ऊपर वाले कपड़े पे पहुंच गए। ये लॉन्ड्री पेपर, इस पर भी तो बहुत सारा खून लग रहा है। ओह, इसका मतलब खून इस पेपर से इन कपड़ों पे। मतलब खून पहले लॉन्ड्री पेपर पे लगा और उसके बाद कपड़ों। इसका मतलब ये है कि जब लॉन्ड्री वाले ने कपड़े पैक करने के लिए ये पेपर रखा होगा तो वहां पे खून। मतलब माही सच कह रही थी, ये खून उस लॉन्ड्री में से ही आया। उस लॉन्ड्री में कुछ गड़बड़ है। ये तू देखता जा बॉस, अब मैं क्या क्या गुल खिलाता हूँ। मैंने भी मिट्टी के कंचे नहीं खेले हैं। बाद में बात करता हूँ। आप फिर से यहाँ? पता तो चला मैं कहाँ से आया है उसको। एक बात ऐसा पड़ेगा ना, दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। तारे? हाँ, सच सच बोल, क्या हुआ यहाँ पे? फोन कैसे आया? हाँ? सर देखिए, जबरदस्ती आप मुझसे कुछ भी पहचानते हो इसे? पेपर है। कौन सा पेपर? मेरे लॉन्ड्री का पेपर है। किसी ने भेजता है ना कपड़े? ये पेपर हमें माही के घर में मिला है। खून इस पेपर में लगा हुआ था। कपड़ों पे खून इस पेपर से आया है और पेपर पे खून यहाँ इस लॉन्ड्री से। अब बता कहाँ से आया इस पेपर पे खून? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। तारे गिनेगा या सच बोलेगा? माही की मौत हो चुकी है, उसका किसी ने खून कर दिया है। लड़के मर गए? हाँ। भगवान, मरते मरते भी मुझे फंसा के चली गई। अच्छा, तुझे नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं। यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सबको बुला। हाँ, अरे सब बाहर आओ रे, तो बाहर आओ। कौन है इनमें से जो माई के घर कपड़े लेके गया था? कौन है, जल्दी बोलो। सर सर, वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। नौकरी छोड़ के चला गया? कब गया? सर जिस दिन पार्सल देके आया था उसी दिन शाम को। देखा सर, उसी ने सब कुछ किया होगा, इसीलिए तो भाग गया यहाँ से। क्या नाम क्या है उसका? मोहन। रहता कहाँ है? ये सर उसका पता और ये फोटो भी नौकरी पे रखने से पहले ले लिया था। कोई मोबाइल नंबर नहीं है क्या इसका? नहीं, उसके पास मोबाइल तो नहीं है। एड्रेस सही है? लॉन्ड्री में काम करने वाला आदमी ऐसे घर में रहता है? ये मोहन गड़बड़ निकला, घर छोड़कर भाग गया। हो सकता है कि किसी ने उसे भगा दिया हो। क्या करना चाहिए? करना क्या, अंदर चल के देखते हैं, शायद कुछ छोड़ गया हमारे लिए। विवेक, तोड़ दो दरवाजा। मैं? हाँ, तुम? हाँ, लेकिन ये काम तो दया सर। ठीक है, अब हम मिलके तोड़ते हैं। कम। ए, ए, कौन हो तुम लोग? और इस तरह दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो तुम किसी का? तुम कौन हो? वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए कि दरवाजा कैसे तोड़ रहे हैं आप। बुलाऊं पुलिस को? पुलिस को फोन करके अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीआईडी से हम। सीआईडी? हाँ। अब तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं यही पास में रहता हूँ साहब। तुम यहाँ पास में रहते हो? मोहन के बारे में कुछ जानते हो? कहाँ पे है वो? मैंने काफी दिनों से उसे देखा नहीं, मुझे नहीं लगता वो यहाँ रहता भी होगा।
अच्छा लगता है खून करते ही भाग गया, सारा सामान लपेट के चला गया। ढूंढो शायद कुछ मिले। देखो हमारे लिए ये जूते छोड़ दें। माही के घर से जो जूते के निशान मिले हैं ये जूते भी लगभग उसी साइज के। चलो इसे फॉरेंसिक ले चलते हैं। दिल तोड़े गए फूलों के बेचारे आ भी न भरने पाए। कोई मुशायरा चल रहा है सर यहाँ पे आज? आजकल डॉक्टर सालूंगे कि मुझसे टूटे हुए दिलों के अलावा कोई बात ही नहीं सुनने को मिलती। मैं इन फूलों की बात कर रहा हूँ। हाँ। जो बुरी तरह से कुचल दिए गए। जी। अच्छा और ये कीचड़? हाँ ये कीचड़ जो पानी में घुल गया वही है ना जो जूते के निशान में था? हाँ ये वही कीचड़ है। इसमें हमें 7 अलग अलग तरह के फूल मिले, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, रात की रानी, मोगरा और कनेर। एक साथ इतने सारे फूल? माही के घर से जो जूतों के निशान की मिट्टी मिली आपको वो किसी ऐसी जमीन की है जहाँ पर एक साथ ये सारे फूल बिखरे हुए थे। ये कोई नर्सरी हो सकती है? जी हाँ, नर्सरी ही है। और एक बात, बस माही के हाथ पे आपको जो कपड़ा मिला है ये पता हुआ कपड़ा ये किसी क्लर्क का कपड़ा है, मतलब किसी दस्ताने का कपड़ा है। जो कोई भी इस दस्ताने को पहनता था वो नर्सरी में काम करता था। वो कैसे डॉक्टर साहब? इस कपड़े पर हमें जगह जगह खून मिला है। खून? हाँ खून, और खून भी सारी जगह पर नहीं मिला, अलग अलग छोटे छोटे दाग है खून, जैसे कि कोई पिन चुभे गया हाथ में या कोई कांटे चुभे हाथ में। खून के छोटे छोटे निशान। हाँ अभिजीत, और ये निशान कांटे चुभने से हैं, नर्सरी में काम करते हैं। मतलब खूनी किसी नर्सरी में काम करता है? सबूत तो ये बताता है। और वो जूते जो हमें मोहन के घर से मिले हैं? हाँ, बस मोहन के घर से जो जूते मिले हैं उन जूतों का साइज और माई के घर से जो जूतों के निशान मिले हैं उनका साइज, दोनों का साइज सेम। तो सर ये मोहन ही थे? शायद। तुम लोग जाके सारी नर्सरीज में पता करो। घर में 2-3 प्लांट्स तो रखने ही चाहिए, है ना? आदाशा, मगर टाइम किधर मिलता है पौधों की देखभाल करने के लिए? अरे उसमें क्या है, सुबह सुबह बस थोड़ा सा पानी डाल दूँ और क्या, बेचारे और तो कुछ नहीं मांगते और इतनी सारी खुशी देते हैं। आदाशा ये बात तो है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आज मेरा मन भी झूम उठा है। अच्छा सुनिए, इस नर्सरी के मालिक है यहाँ पे? मालिक वो रहा है।
बहुत बड़ा कंजूस आदमी है मैडम, एक पैसा नहीं छोड़ता वो। ठीक है, थैंक यू। घर में जगह है क्या पौधा रखने के लिए? हम ये जानना चाहते हैं कि मोहन नाम का कोई लड़का यहाँ पे काम करता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ जगह है क्या, और तुम पूछ रहे हो मोहन है क्या? मोहन है यहाँ, सीआईडी। सीआईडी? ये क्या होता है? एक ऐसी बीमारी है जो एक बार चिपक जाए ना तो छूटती नहीं। इसे देखिए, यही है ना मोहन? पर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? एक खून हो गया। खून? हेलो सर। एक बात तो साफ है, इस माई के खून में एक नर्सी वाला भी मिला हुआ था, जो मास्टरमाइंड है, इसका बॉस कोई और है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें देखते ही वो समझ गया था कि हम उसे ही ढूंढने आए हैं। यार दो बातें परेशान कर रही है मुझे। पहली ये कि मोहन खून करने के बाद भागा क्यों नहीं? ज्यादातर खूनी खून करने के बाद कहीं छिप जाते हैं, जब मामला ठंडा हो जाता है तो बाहर निकल के आते। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने मोहन पे गोली चलाई वो हमारे आने का इंतजार क्यों कर रहे थे? पहले भी तो मोहन को मार सकते थे। हो सकता है उन लोगों को तभी पता चला हो कि मोहन उस जगह पे छुपा हो। एक बात और सर, ये मोहन और माही दोनों ही इस जैकेट पे लगे खून के बारे में जानते थे सर, और अब दोनों ही मर चुके। बचा एक और आदमी, लॉन्ड्री का मालिक। उसी ने दिया था पता और फोटो मोहन का, मगर मोहन पकड़ा नहीं गया था, है ना? हाँ। क्यों? इस क्यों का जवाब वो लॉन्ड्री वाला ही दे। लॉन्ड्री बंद करके भाग गया वो। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ड्री कभी थी नहीं। यार ये फोन लगा के देखो, वो तो कह रहा था लॉन्ड्री रोज खुलता है। फोन तो लग ही नहीं रहा। अरे आपका जब सही लगा वो खुद करके भाग आए। ये काम करो, इसको बुला के लाओ, ये बगल वाले दुकान वाले बोला। हमारी उससे कोई भी बोलचाल नहीं। नहीं, डरो मत। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इसने आज लॉन्ड्री खोली क्यों? अब ये तो दुकान छोड़ के चला गया। दुकान छोड़ के चला गया? कब? सब कल। लंच के वक्त ये यहाँ आया था और अचानक सारा सामान लटक के भाग गया। अब हम भी चौंक गए। तो तुम्हें पता है कि कहाँ गया है वो? सब मालूम नहीं था, सब हमारे देश के साथ छत्तीस का आंकड़ा था। चलो ठीक है, तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो रहता कहाँ है। मुझे उसका घर तो पता है, मैं अभी पता लिखा हूँ। हाँ पता लिखे तो। इस लॉन्ड्री वाले को हमें छोड़ना नहीं चाहिए था सर, अगर पकड़ के रखते तब केस पहले ही खत्म हो जाता। एड़ी, पहले पता थोड़ी था कि कहाँ हो सकता है। हाँ ये बात तो है। देखते हैं। चिड़िया उड़ गई सर। देखते हैं चिड़िया कहाँ उड़ गई।
अपना घोंसला तक लेके उड़ गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा। लगता पहले से भागने की तैयारी कर रखी थी। कोई नहीं, एक एक कोना बारीकी से देखा, कुछ है नहीं पर कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है। आदमी किसी ऐसी जगह पे गया था जहां पे मिट्टी की खुदाई चल रही है, पावड़े पे भी मिट्टी लगी हुई है। ये क्या? क्या सर? मिट्टी में लाल रंग मिला हुआ। डॉक्टर सालिंग को भी दिखाते हैं, चलो। उस लॉन्ड्री वाले को छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया। क्यों सर, उसके खिलाफ कुछ मिल गया क्या? बावड़ा। बावड़ा जो लॉन्ड्री के मालिक के घर से मिला है वो? बिल्कुल, बावड़ा और वो जूते जो उस लॉन्ड्री के मालिक के, इन दोनों पर लगी हुई मिट्टी से हमें खून मिला। मिट्टी में खून मिला? बिल्कुल खून मिला है, और खून भी ऐसा वैसा नहीं बॉस, बिल्कुल वैसा ही खून जैसा हमें इस जैकेट पे से मिला है। क्या? बिल्कुल। इसका मतलब इस मरने वाले का उस लॉन्ड्री वाले से कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब आई बात समझ में आया, मैंने क्यों कहा था कि इस लॉन्ड्री वाले को छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया। बचेगा तो वो अब भी नहीं डॉक्टर साहब, पर पहले वो लाश तो मिले जिसका ये खून है। लाश भी मिल जाएगी अगर आप ठीक से कोशिश करें। कोशिश? हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं तो क्या आप मुझे गलत समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि इस लाश को ढूंढने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मतलब? कहने का मतलब यह है कि लाश को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। जमीन के नीचे गाड़ दिया गया? हाँ। मतलब खूनी ने इस फावड़े से गड्ढा खोद के जमीन में लाश को गाड़ दिया? हाँ। ये मिट्टी किसी ऐसी जगह की है जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन साइट। हमें यहाँ पर रेत भी मिली जो चुनवाई के काम। ये बिल्डिंग का काम तो लॉन्ड्री के पीछे भी चल रहा है। हाँ सचिन, उस लॉन्ड्री वाले ने लाश वहीं गाड़ी होगी, वहां चल के ढूंढते हैं, अगर लाश वहां है तो मिलेगी जरूर। जगह का एक एक कोना ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि लाश कहाँ है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि लाश कहां पर है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ध्यान से देखो, आके फाड़ के देखो, समझे? जहां पे लाश होगी शायद वहां पे मिट्टी थोड़ी ऊपर है या फिर पानी की वजह से फंस गई होगी। चलो ढूंढो। और आज भी नहीं होना शुरू करते हैं, जल्दी।
ट्रैफिक में लिपटी हुई है। संभाल के बाहर निकालो उसे, जल्दी। संभालो। क्या है बात है? पूरी तरह से सड़ चुकी है। लगता है छाती को गोली मारी है। आर्किटेक्ट तो 10 दिन पहले एक्सीडेंट में मारा गया था। हाँ सर, सर टीवी पे मैंने न्यूज में देखा था, बता रहे थे कि लाश और गाड़ी अब तक नहीं मिली है सर, किसी गहरी खाई में गिर गई है खंडाला में सर। इसका मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसके घर चल के देखते हैं, वहां शायद कुछ और पता चल जाए। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आपको कैसे मालूम कि हम लोग आने वाले हैं? आपसे फोन पे अभी तो बात हुई ना। आपकी बात हमसे? हाँ, आप बैंक से आए हो ना? प्रभात के बारे में आपको कुछ पूछना था। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हम लोग बैंक से नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप प्रभात की बीवी है ना? जी। देखिए, हम लोग प्रभात की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। मुझे अकेला छोड़ के चले गए, पता नहीं अभी जिंदगी कैसे कटेगी। कैसे हुई उनकी मौत? कार एक्सीडेंट खंडाला पे। कार एक्सीडेंट? हाँ, उस दिन वो बहुत खुश थे, हमारी फोन पे बात हो रही थी, कह रहे थे 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। वो नहीं पहुंचे, पर उनकी मौत की खबर आ गई घर। और उनकी लाश? लाश अभी तक नहीं मिली, गाड़ी इतनी गहरी खाई में जा गिरी कि लाश मिली नहीं। हाँ, गाड़ी मिली, पर गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी, गड्ढे में से खींच के निकालनी पड़ी। लाश नहीं मिली? पुलिस ने काफी कोशिश की, पर लाश नहीं मिली। मिसेस प्रभात, आपके पति की लाश हमारे पास है, किसी ने उनका खून कर दिया है। कहाँ है मेरे पति की लाश? कहाँ है? उनकी लाश अभी मॉर्ग में है, मुर्दा घर में। खाई में उतर कर आपने लाश को ढूंढा? नहीं मैम, जमीन में गड़ी हुई मिली। किसने गाड़ा मेरे पति की लाश को? वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। सुनिए, मुझे मेरे पति की लाश अभी नहीं मिल सकती? नहीं, अभी नहीं, जैसे ही हमारी तहकीकात पूरी हो जाएगी हम आपके पति की लाश को सौंप देंगे। देखिए, ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। वैसे आपसे एक और बात पूछनी थी मुझे। कहिए। आप किसी लॉन्ड्री के बारे में जानते हैं? लॉन्ड्री? सुपर क्लीन लॉन्ड्री, कभी सुना है ये नाम? सुपर क्लीन लॉन्ड्री? जी हाँ,
नहीं। कभी आपके पति ने ये नाम लिया हो आपके सामने? हो सकता है इस लॉन्ड्री का मालिक आपके पति का दोस्त रहा हो, कुछ याद है? नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, पर आप ये क्यों पूछ रहे? वो हमें शक था कि इस लॉन्ड्री का मालिक ही आपके पति का खूनी है। हाँ? खैर कोई बात नहीं, जब आपने नाम ही नहीं सुनाया तो कोई फायदा ही नहीं। वैसे आपको कुछ पता चले तो हमें फोन जरूर करना। थैंक्स। तो नहीं है ना? अब मैं तो घबरा ही गया था, मुझे लगा वो लोग ऊपर आने वाले हैं। ऊपर? खूनी को पकड़ने के चक्कर में सब कुछ भूल गए। मगर मगर क्या हुआ, ये मगर क्यों लगा दिया? एक बुरी खबर है अपने लिए। क्या? खूनी प्रभात की लाश मिल गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ए, देखो मैडम, कुछ भी हो मैं इसमें फंसना नहीं चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे मैंने ऐसी एक्टिंग की है ना कि 7 जन्मों तक उन्हें खूनी का पता नहीं चलेगा। अरे मैडम, तुम जानती नहीं सीआईडी वालों को कुत्ते की तरह सूंघते हैं ये लोग, कुत्ते की तरह। बहुत बड़ी होती है इन लोगों की नाक, मुझे तो लगता है आज नहीं तो कल तुम्हारे तक वो लोग पहुंच ही जाएंगे। लो शहर छोड़ने की तैयारी करो, चलो। सही डरते हो। चलो अभी ये लो, ये लेके आए हम आपके लिए ट्रॉफी। हाँ, इतनी अच्छी एक्टिंग जो कर ली आपने। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मिसेस प्रभात, अपने पति का खून करने के लिए और फिर उसे छुपाने के लिए। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर आप कहते हैं तो समझने के लिए और इस ट्रॉफी को लेने के लिए आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा, प्लीज आइए। और तुम लॉन्ड्री का काम छोड़कर कूली का काम शुरू कर दिया। मैं तो आप सब लोग क्या कह रहे हैं, तुम तो किसी लॉन्ड्री वाले को नहीं जानती थी ना, तो ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा था। तुम इस लॉन्ड्री वाले को कैसे जानती हो? ये हमें मालूम हो गया था। राजन इसे लेके चल। चलते इसमें दौड़ा था। तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा खुला। मैंने मार दिया प्रभात को। अपने पति का खून कर दिया बिना बात के। बात थी, बात थी। ऐसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है।
दूसरी औरत के साथ शादी करने वाला था वो। मुझे कहते लगा इस घर से चली जा, मैंने मोड़ दिया उसको। इसने तो सिर्फ लाश ठिकाने लगाने के लिए मेरी मदद की। सर सुना ना आपने, सुना ना, मैंने तो खून किया है नहीं, इसने मुझे फंसा दिया बिना बात के। ना मैं वो लाश लेके आपकी लॉन्ड्री में आता, ना वो खून लगता। चुप। खून के सबूत के साथ छेड़छाड़ करने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है जितना खून करने वाला। पहले प्रभात का खून किया, मोहन के हाथों माही का खून करवाया और बाद में मोहन को भी मरवा दिया। तीन तीन खून, तीन बार फांसी नहीं हो सकती, नहीं तो वो भी हो जाती तुम लोगों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।